हैं मैं चांदी को सुला रहा हूँ। अरे नहीं, मैं तो फिल्म देख रहा हूँ, तुम सुलाओ। अरे बंद करें इसे यार। अरे इतनी छोटी बच्ची को कहाँ बंद करूँ नबील। मैं मूसा, मैं टीवी की बात कर रहा हूँ। टीवी में बंद कर दो। अरे टीवी बंद करे यार। तुम ये लोरी सुनाना बंद करो, बच्ची खुद को खुद सो जाएगी। आप टीवी बंद करें। ये लो यार, कर दिया है बंद। थैंक यू वेरी मच। तुम इसे सुला क्यों रहे हो? क्योंकि इसके सोने का वक्त हो गया महमूसा। मेरा मतलब है खूबसूरत कहाँ है? वो अंदर सो रही है। हद होती है यार नबील, मर्दों को बीवियों से इतना भी नहीं डरना चाहिए। क्या मतलब? अरे बच्चों को लोरी सुनाना, सुलाना, धुलाना, ये सब औरतों के काम होते हैं, मर्दों के नहीं। क्यों, ये मेरी बेटी नहीं है क्या? यही तो। अरे तुम जैसा जोड़ू का गुलाम तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि अभी जाकर खूबसूरत को उठाओ और उससे कहो कि इसे सुलाए। नहीं नहीं महमूद साहब, ऐसी बात नहीं है। शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैं तुम जैसे जन मुरीद का सौतेला बाप हूँ। महमूद साहब क्या यार, ये ले पकड़ी शराफत। ये क्या है? आपका बच्चा है। अरे तो मैं इसका क्या करूँ? मैं इसका क्या करूं, क्या मतलब है आपका? है ये जो आपका कोई ऊंट सा बेबी है ना, इसने इतनी बदतमीजी मेरे साथ की है, ना खुद सो रहा है ना मुझे सोने दे रहा है। सुलाए आप उसको। हाँ जी, और सो जाए तो उसका पैंपर आपने बदल देना है। ओके मोमो, अंडरस्टैंड। ये चीज माँ जी, ये चीज। अब वो तुमसे तो मैं मजाक कर रहा है। तो आप बहुत मजाकी हो गए। मेरे बाप सो जा। अरे सोना सोना बेटा, अब तो मुझे भी नींद आने लगी है यार। चांदी बेटा सो जा, पापा जानी थक गए हैं बेटा। यार मैं मोजा, चांदी तो सोने का नाम ही नहीं ले रही। अरे यार नबील, वो सोने का नाम अभी कैसे ले सकती है? जब बड़ी होगी, बोलने लगेगी तो तब लेगी ना सोने का नाम। साहब ये सो नहीं रही। अरे सो तो ये भी नहीं रहा यार। यार महमूद साहब एक काम करते हैं यार। क्या? इन्हें ना नींद की गोलियां दे देते हैं। तो ये नींद की गोलियां हाथ में पकड़ कर क्या सो जाएंगे? अरे इन्हें नींद की गोलियां खिला देते हैं। खुदा का खौफ करो यार नबील, तुम अभी से बच्चों को नशे का आदि बना रहे हो। क्या करें यार? एक काम करते हैं, इन्हें टीवी पर बुलबुले दिखाते हैं, बोर होके खुद ही सो जाएंगे। हाँ ये ठीक है, हर वक्त तो चल रहा होता है। चले आ जाए, आ जाए, आ जाए। मेरा तो मोबाइल में बैलेंस ही नहीं है। तो फिर घंटी किसने बजाई? घंटी तो मैंने ही बजाई थी। तो फिर तू झूठ क्यों बोल रहा है? नहीं नहीं झूठ नहीं बोल रहा, घंटी मैंने ही बजाई थी। बोल। अरे बोल तो रहा हूँ, मैंने बजाई थी। क्या काम है वो बोल। मिसेस खूबसूरत यही रहती है ना, तो मुझे क्यों ढूंढ रहा है? नहीं नहीं मैं तो खूबसूरत का पूछ रहा हूँ। तेरी आँखें कमजोर है। नहीं तो? तो तुझे ये खूबसूरत औरत दिखाई नहीं देती? कहाँ पर? यहाँ देख मनूस। अरे आप मजाक कर रही हैं। नहीं मैं तुझे सच्ची मुच्ची मनूस कह रही हूँ। देखिए ये कुछ सामान आया है लाहौर से खूबसूरत मैडम के लिए। और तो दे मैं देखती हूँ। पहले साइन तो करें। अंगूठा लगा दो। आपको साइन करने नहीं आते? नहीं आते हैं, पर आज मेरा अंगूठा लगाने को जी चाह रहा है। अच्छा वो ही लगा दे। ये ले, चल भाग अब इधर से। पानी मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। इधर दरवाजे से बाहर निकलना ना तो उल्टे हाथ पे जाना, नुक्कड़ पे दुकान है, उधर से पानी मिल जाएगा। शाबाश, चल दफा हो जा। माँ जी, पापा ने मेरे लिए कुछ सामान भिजवाया कुरियर से, आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, जा तू जाके सो जा। अभी तो सो के उठी हूँ माँ जी। हाँ तो क्या दोबारा नहीं सो सकती है? आपके पीछे क्या है? दीवार पर तस्वीर। मैं इस बॉक्स की बात कर रही हूँ माँ जी। अच्छा अच्छा, ये तेरा सामान है? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? न पहले कैसे बताती, अभी अभी तो आया है। माँ जी आपने इसे खोल भी लिया है? किसे? इस बॉक्स को। ओ नहीं, मैं तो इसको चेक कर रही थी ना, कहीं इसमें बम शम ना हो। माँ जी इसमें चांदी का सामान आया है। वह चांदी का सामान है? चलो इसको बेच कर आते हैं, आजकल चांदी वैसे भी बड़ी महंगी हो गई है। माँ जी मेरी बेटी चांदी का सामान आया है, उसके लिए कुछ चीजें हैं। चो
चल फिर इसे खोल कर दिखा। नबील को तो आने दे माँ जी। कौन नबील? आपका बेटा। ले उसको मैं लेकर आती हूँ, अंदर पड़ा हुआ खेल रहा है वो। वाओ, इस आउटफिट में हमारी बेटी कितनी प्यारी लगेगी नबील। हाँ जानू। अरे इसके नाना ने कितने अच्छे कपड़े भेजे हैं। जानू अब मेरा सामान भी बाहर निकालो। घर से? नहीं नहीं इसमें से। इसमें तुम्हारा कोई सामान नहीं है नबील। पापा जी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। चुप है। उन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए सामान भेजा है ना शुमेला। खूबसूरत माँ जी। हाँ खूबसूरत सामान भेजा है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए नहीं माँ जी, सिर्फ बच्ची के लिए, अपनी नवासी के लिए। वो तो क्या मेरा पुत्र तेरे बाप का कुछ नहीं लगता क्या? अरे तुम्हारा पुत्र उनका दामाद लगता है भाई। मैं अपने बेटे लोहे की बात कर रही हूँ। सोने की? हाँ उन्होंने सोने का लोया नहीं भेजा। अरे उन्होंने इतने सारे कपड़े भेजे हैं, चांदी सारे थोड़े पहन लेगी, आधे उसका चाचा पहन लेगा। क्यों खूबसूरत? महमूद साहब ये लड़कियों के कपड़े हैं। अरे भाई इस उम्र में लड़के लड़कियों के कपड़े पहनते हैं क्यों नबील? खबरदार महमूद साहब जो आपने मेरी बेटी के कपड़ों पे नजर रखी तो। हाँ ये चांदी के नाना ने चांदी के लिए भेजे हैं, मैं किसी और को नहीं दूंगी। और किसी? हाँ, तूने हमें किसी और समझा है? तुझे मौत ना आ गई, थोड़े से कपड़े हमारे बच्चे को भी दे देगी तो क्या हो जाएगा इसमें? है माँ जी आप मेरी बीवी की बेइज्जती कर रही हैं। चुप कर जोरू का गुलाम, बेशर्म बेहया बेगैरत, तू तो अपनी मां का भी नहीं है। तबीर मैं तुमसे कह रही थी ना ये सारी चीजें लोगों को ना दिखाओ, या मैं खुश नहीं देख सकते। सही कहती हो जानू, जलते हैं ये सब। क्या? और मैं तुझसे जलूंगी अब्दुल्ला कादवानी? तू मुझे ऐसा समझता है? मामा आप चुप करें, जाने दे मुझे अंदर, उधर जाके भी मुझे रोना है। हटा यार। ये तुमने अच्छा नहीं किया नबील। ओ दफा करो इनको, चलो अंदर चल के हम बाकी कपड़े देखते हैं। चलो चलो चलो। छोटे से बच्चे को मेरे बेटे ने ना मेरा गोड़ा दुखाया सरदार। दिल? हाँ मेरे बेटे ने मेरा गोड़ा दुखाया दिलदार। अरे लानत भेजो। अरे मुझे नहीं अपने बेटे पर। अरे मैं इस पे लानत क्यों भेजू, कितना मासूम बच्चा है मेरा। है मैं नबील की बात कर रहा हूँ। कौन नबील? ओह मैं उस चड़ेल को छोड़ूंगी नहीं अशरफ, देख लीजिएगा। महमूद? हाँ महमूद अशरफ। अगर उसका बाप जिंदा है तो फिर मेरी भी माँ जिंदा है, और उसके बाप से ज्यादा अमीर है। है? अरे तो फिर उन्हें बुलाओ ना। तो नंबर मिला कर दे आप मुझे। ये लो। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, माँ जी आपकी बड़ी वो आ रही है। हैं? आप रास्ते में हैं माँ जी? हैं? छेती पहुंचे फिर हशे हशे। मेरी मौजी रास्ते में है। हाँ अब इन लोगों को ना लग पता जाएगा पकड़ी जी। हाँ अरे नानी जान आप, मैं कल रात ही खाम में आपको देखा था। हट परे, सामान लेके चल अंदर। मैंने ये भी देखा था नानी जान कि आप दो सामान के भरे हुए बैग लाई हैं। बकवास मत कर, अंदर लेके चल। अच्छा नानी जान। और मेरी बच्ची को बुला। अच्छा अच्छा आए। खूबसूरत खूबसूरत आए आए नानी खूबसूरत खूबसूरत। ले नानी जी आपकी बेटी आ गई। अरे इसे नहीं, बहुत मेरी बच्ची को बुला। खूबसूरत जाओ चांदी को लेके आओ। नबील वो अभी सोई है। तो उठा दो उसे, उसने कौन सा स्कूल जाना है। नबील जानू कमाई का वक्त है, उसे लाओ लाओ। नानी जान जब तक आपकी बेटी आती है आप ये बैग खोल ले। बेशरम, मेरी बच्ची को बुला। मुमताज
मुमताज, आप माँ जी को क्यों बुला रही हैं? अरे मुझे अपने नवासे को देखना है। अरे नानी जान, आपका नवासा ये रहा आपके सामने। छोटा वाला आप आ गई माँ जी। हाय, तूने याद किया, मैं आ गई। अच्छा किया माँ जी, बहुत अच्छा किया, वरना कुछ लोग समझ रहे थे कि सोने के आगे पीछे कोई है ही नहीं। अरे कैसे नहीं है, उसकी नानी अभी जिंदा है। सुन लिया नवील? ये ले नानी जी, आपकी नवासी आ गई, जो देना है इसे दे दे। चल बे चल, इसके लिए मैं कुछ नहीं लाई। क्या? अरे तू क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही है, चांदी नवासी को लेके आ। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या मेरा मुंह देख रही हो, जाओ इसे अंदर लेके जाओ। शट अप नबील। ओके जानू। हमारी, मैंने सुना है कि आपके खानदान में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो 50-100 एकड़ जमीन तो आप वैसे ही उसके नाम कर देते हैं। अरे वो तो मैं आने से पहले करके आई हूँ। हाँ। सच? हाँ, दो ट्रैक्टर भी खरीद लिए मैंने उसके लिए। अरे चले अच्छा है, बड़ा होते ही काम पे लग जाएगा, अपने बड़े भाई की तरह सुसर की कमाई पे तो नहीं बैठेगा ना। मैं मोहन साहब। अच्छा मत गई, आ जाना। आई 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 आई, ये आ गई। सोना नहीं सोना। तू चुप कर, बिल्कुल अपनी नानी पे गया है। नबील तो बैग खोल जरा। जी नानी जी। ये क्या है? आई, ये मैं सोने के लिए जेवर लाई हूँ। अच्छा अच्छा नानी, ये तो लड़का है, ये जेवर का क्या करेगा? अरे करेगा क्या, बड़ा होके बेचेगा। चुप कर, ये अपनी बीवी को देगा। नानी जी जरा जहन पे जोर दें, याद करें, कहीं आप ये चांदी के लिए तो नहीं लाई? तेरी माँ की तरह याददाश्त कमजोर नहीं है मेरी, मैं अपने सोने के लिए लाई हूँ। काफी महंगे होंगे, भी जाहिर है इसकी नानी ने जो दिए हैं। अच्छा अच्छा, तू मुँह ना बना, कहाँ है तेरी बच्ची? नानी ये रही। ये तेरी बच्ची है? नहीं नहीं नानी, इसकी गोद में मेरी बच्ची है। ये ले 200 रुपए, शॉपिंग कर लेना। प्लॉट ना खरीद लूं 200 रुपए में इसके लिए मैं? अरे बदतमीज लड़की, तुझे शर्म आनी चाहिए बुजुर्गों से ऐसे बातें करते हुए। शर्म तो आपको आनी चाहिए, मेरी बच्ची को 200 रुपए पकड़ा दिए, नहीं चाहिए मुझे आपके 200 रुपए। चल दफा हो जा मनूस। ये अच्छा नहीं किया आपने। तो तुमने जो किया था वो ठीक किया था? देखते हैं महमूद साहब कब तक ये चीजें चलती हैं। देख लेंगे, आपको पता चलेगा। चुप चले माँ जी, अंदर चल के ना वो करते। वो क्या? इंतजाम। किस चीज का? आराम आराम। हाँ माँ जी आराम। आइए आइए, चलें चलें आइए। ये है तुम्हारे रिश्तेदार, कंजूस, घटिया और 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 मेले। ठीक कह रही हो जानू, सब मेरे पापा की कमाई पर अयाशी करते और मेरी बेटी चांदी को 200 रुपए। हाँ जानू, वो भी गले हुए नोट। आइंदा मैं तुम्हारे किसी रिश्तेदार को घर में नहीं एंटर होने दूंगी। ठीक है जानू, अब मूड ठीक करो जानू, प्यार भरी बातें करते हैं। शट अप नबील। आइए आइए माँ जी, सबसे पहले इस कमरे की तलाशी लें। नानी जान जी क्या हो रहा है? चुपचाप वो उंगली रखकर बीवी की गोद में बैठा है। अगे ये सबसे पहले इधर देखते हैं। ये हो क्या रहा है? अरे तुम तो जैसे नन्हे बच्चे हो ना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। आए माँ जी, सबसे पहले अलमारियों की तलाशी लेते हैं। आइए। मेरी अलमारी में कोई नहीं घुसेगा। हम घुस नहीं रहे, हम तलाशी ले रहे हैं। किस चीज की तलाशी? मेरे नवासे के जेवर गायब हुए। क्या? हाँ। ये निहायत घटिया आदमी है, जरूर इसने चुराए होंगे। आप अलमारी चेक करें। नबील ने रोको यार। हाँ जानू रोकता हूँ। बेशरम, क्या जानू जाने लगा रखा है? जरूर इसने ARY जाकर बेच दिए होंगे। महमूद साहब, ARY पे तो मैंने सिर्फ अपना ड्रामा बेचा है यार। यार तो कुछ भी नहीं है। बताओ बताओ नबील, कहाँ रखे है तुमने? आप तो चुप करें यार, नानी जी जेवर यहीं कहीं होंगे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि यहीं कहीं होंगे। अरे मेरा मतलब है इसी घर में होंगे यार। तो फिर तुम सब मिलकर ढूंढो। ठीक है, उठो जरा, तुम भी उठो। आइए चल यार, चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। जल्दी आओ, तुम भी आओ। चल यार, चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल।
चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा कोई है जाए जलता जा। बबल मेरा ख्याल है मैं बाहर लॉन में देख के आता हूँ। ना माँ जी ना, इसको लॉन में मत जाने दीजिएगा, ये वहीं से जेवर लेके भाग जाएगा। कोई यहाँ से नहीं जा सकता, सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। कोई यहाँ से हिल भी नहीं सकता। वशे। अरे जबड़ा हिला दिया होगा। किसी की आँख पुकारे करे इशारे। अब बस भी करे ना, मुझे वॉशरूम जाना है। कोई यहाँ से हिलेगा भी नहीं, जिसको जो करना है यही करे। लेकिन माँ जी आपने मुझे इस कटहरे में क्यों खड़ा किया है? तलाशी में सब बराबर है तो इसलिए इंसाफ भी सबके साथ होगा। तू मेरी बेटी है तो तुझे बख्श दो। वाह 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 माँ जी वाह। नानी जान आपने हमें यहाँ खड़ा कर दिया है, तलाशी तो ले नहीं रही, जेवर कैसे मिलेंगे यार? जब मैं तुम्हें 3 दिन और 3 रातें यूं ही खड़ा रखूंगी ना तो जेवर खुद ब खुद ला कर दोगे। जानू मेरा ख्याल है तुम अपने ही जेवर ला के दे दो। चल अपने भी। नानी वो मेरी बच्ची रो रही है। तो रोने दे, वो अंदर अकेली है। तो उसे आदत डालना, क्या पता तुम लोगों को जेल जाना पड़े, तो ये आदत पड़नी चाहिए ना। नानी जी यहाँ मैं बैठी थी, बैग यहाँ रखा हुआ था, देवर निकाल के यहाँ से दिया, पर देवर यही गिरा होगा। और नबील यहाँ खड़ा था। यार महमूद साहब आप भी तो यही खड़े थे ना यार। अरे तो मैं क्या अपने बच्चे का जेवर खुद क्यों लाऊंगा? चिल्ला मत, अब सबकी बारी बारी तलाशी होगी। हाँ ये ठीक है। महमूद तलाशी ले नबील की। अभी ले, चल मैं तलाशी ले। ओ यार महमूद साहब आप जिस तरह तलाशी ले रहे हैं ना, आपने कुछ ना कुछ निकाल ही लेना है यार। की तलाशी नहीं दे रहा। चल मुमताज खूबसूरत की तलाशी ले। चल मुमताज आओ के मेरी तलाशी ले। शाबाश मुमताज तेरा नाम है, तू तलाशी ले। जो तलाशी लेता है उसका नाम मुमताज होता है। हटे मुमताज, मुझे तलाशी लेने दे। तो मुझे छुट्टियां काट रही है। कोई बात नहीं, इसके बाद तेरी बारी है। लोग इतना नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नानी जान ये क्या कर रही हैं आप? देखा देखा चोर की दाढ़ी में तिनका। हाय लेकिन इस बेचारे की तो दाढ़ी नहीं आती अम्मी जी। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं यार, मैंने कोई लेजर ट्रीटमेंट कराया हुआ है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जेवर इस घटिया आदमी ने चुराए हैं, इसके नाम की FIR कटवाए फौरन। ओ बस करते महमूद साहब बस करते यार। अरे तुम कितने घटिया इंसान हो, अपने घर में चोरी करते हो और वो भी अपने भाई के जेवर पे डाका डाला तुमने। महमूद फोन मिला पुलिस को। अच्छा जी। ओ नानी जी एक मिनट जानो तुम कमरे में आओ। क्यों? कमरे में आओ ना, जल्दी आओ। जब पुत्र शाबाश। आओ चलो चलो ना, मुझे अंदर करवा के छोड़ेंगे तो जितने पैसे हैं ना वो ले आओ। मैं क्यों लाऊं? जानू तुम समझ नहीं रही हो, सूरत हाल बड़ी नाजुक है। इससे पहले कि ये लोग मुझे झूठे केस में अंदर करवा दे और तुम्हारे पापा को लाखों रुपए दे के मुझे छुड़वाना पड़े, नानी को पैसे दे देते हैं। पैसे हैं कहाँ नबील? जानू 8-10 हजार मेरे पास है, 30-40 तुम्हारे पास होंगे, नानी को देके जान छुड़वा लेते हैं यार। नबील जानू मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, प्रॉमिस। कब? जैसे तुम्हारे पापा अगले महीने का खर्चा भेजेंगे मैं वापस कर दूंगा। क्या? हाँ हद होती है बेगैरती बेशर्मी की। क्यों क्या हो गया अम्मी जी? अरे पूरा एपिसोड निकल गया और तू कह रही है क्या हुआ माँ जी? I am very sorry. क्या जमाना आ गया, अपने घर में चोरी, क्यामत की निशानी है अम्मा जी। हमारे गांव में तो हम किवाड़ खोल कर सोते थे, मजाल है कि कोई चीज चोरी हो जाए। मैं तो कहता हूँ माँ जी नबील को अपनी जायदाद से आग करते, यही करना पड़ेगा। नानी जान ये ले 50,000 रुपया। देखा मैं सही कह रहा था, अब तो साबित हो गया ना कि यही चोर है। मुझे मेरी माँ की कसम है महमूद साहब, मैंने जेवर नहीं चुराए, मैं तो अपनी जान छुड़वाने के लिए कह रहा हूँ। नानी जान बाकी पैसे मैं थोड़े थोड़े करके आपके उतार दूंगा। बाकी कौन से? जितने के भी जेवर थे आपके वो। जेवर तो सिर्फ 300 रुपए के थे। क्या? हाँ और नहीं तो क्या। 300 रुपए के जेवर? दिमाग चल गया है क्या तेरा? मैं इतने से बच्चे के लिए 80 जेवर लेके आती। लेकिन आप तो कह रही थी कि जेवर सोने के थे। तेरे बच्चे का नाम सोना ही तो है, सोने के लिए तो लाई थी मैं। 300 रुपए के जेवर की खातिर आपने मेरी सारी रात बर्बाद करवा दी। आप अपनी बुकिंग करवाएं और ये ले पकड़े अपने जेवर। महमूद साहब